हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हमारी ट्रिप स्टार्ट हो रही है, मतलब बहुत टाइम बाद हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जाएंगे सबसे पहले हरिद्वार, देन उसके बाद हम कहाँ कहाँ जाएंगे आपको पता चलेगा आगे की वीडियो। हम लोग निकल चुके थे घर से और अभी हम लोग पहुँच गए हैं रामनगर में। तो ये जो जंगल है रामनगर का है और यहाँ पे मतलब अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी लोकेशन कि हम कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, आप बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे तो आप बने रहना, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी तो आप लाइक तो कर ही दोगे। तो चलिए चलते हैं गाइस। ये आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखी है कि जिम कॉर्बेट पार्क यहाँ से 44 किलोमीटर पे है, देहरादून 270, रामनगर 26। अब बताओ हम कौन सा रूट रूट से जाएंगे, मतलब जाएंगे गाइस बाजपुर होते हुए। पहुंच चुके हैं काशीपुर में। तो ये हाईवे है, गर्मी पड़ रही है बहुत तगड़ी गर्म। दिन के बज रहे हैं 3:30। तो अभी हम लोग पहुंचे काशीपुर में, आज हम लोग रुकेंगे हरिद्वार। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी लेकिन आप खुद चेक कर लो, और गाड़ी इतनी तेज चल रही थी तो उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूं कि मेरे हस्बैंड कितनी तेज गाड़ी चलाते हैं। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं टोल प्लाजा, और हरिद्वार जाने में आई थिंक हमारे वहाँ से 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, 2 या 3, श्योर नहीं हूँ मैं, बट 2 तो आते हैं इतना तो मुझे अच्छे से याद है। बस पहुँचते हैं और पहुँच के बताते हैं आपको। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जो दूसरे नंबर का टोल प्लाजा है वो वाला। मक्खी ने इतना परेशान करा हुआ है ना गाइस, ये वाली जो ये है ना फैक्ट्री गुड़ वाली। तो गाइस अभी हरिद्वार यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। तो खाना तो हम लोग खा के आए थे मामी के उधर पे, और दर्शन को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की जरूरत है। तो 70 किलोमीटर बचा है, आई थिंक हम लोग पहुँच जाएंगे 45 मिनट में अप्रोक्स, 1 घंटा, मतलब 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, मतलब फिर भी हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं। तो हम लोग रुके हैं एक जगह पर, तो अभी भी यहाँ से आई थिंक आधे घंटे की दूरी बाकी है, हाईवे है देख सकते हो आप। जैसा कि आप लोगों को पता ही है आजकल गर्मियों का टाइम है, तो आजकल तो मुझे गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है और मिलता भी वैसे आजकल ही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो एक ही ग्लास पीती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड कभी कभी 2 से ज़्यादा गिलास पी लेते हैं, मतलब मोस्टली वो 2 से ज़्यादा पीते हैं। तो अभी हम लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस, उसके बाद हम लोग निकलते हैं फटाफट से हरिद्वार के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, तो हम लोग जाना है धर्मशाला पहले, तो इसीलिए अभी हम लोग पहले वहां पे जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पैदल रास्ता तय करके आएंगे हर की पौड़ी में। सो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा पैदल चलने के लिए आ गए हैं, गाइस यहां से हम लोग पैदल जाएंगे हर की पौड़ी के लिए, और अभी हम लोग थोड़ा सा पैदल जाएंगे। तो ज़्यादा तो है नहीं, 15-20 मिनट का रास्ता होगा, तो हम लोग गंगा आरती के टाइम पे पहुंच जाएं बस। सो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ओम पुल, और ये रात में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। अभी आप देखो आरती स्टार्ट हो गई है सारे घाटों में, आई थिंक 7 बजे से आरती स्टार्ट हो जाती है, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं देखो, हर हर महादेव। ओके सो ये है अलकनंदा घाट, वो वाला पुल हमें क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग रास्ते से होता है तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि कौन से रास्ते से कहाँ को निकलना है। कभी हम लोग उधर पे आते हैं जहाँ से पार्किंग है गाड़ी की, और एक बार हम लोग ऑटो से आए थे तो दूसरे साइड पर उन्होंने उतारा था, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, बट लग बहुत सही रहा है। और घाट के बगल में तो इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो हस्बैंड थोड़ा सा बिजी है फ़ोन में, अभी हम लोग ने रूम भी देखना है। ओके सो अभी हम लोग हरिद्वार से आ गए हैं गंगा जी के दर्शन करके, तो मतलब अभी भी हम लोग हरिद्वार में ही हैं। पहले हम लोगों का प्लान था कि हम लोग ऋषिकेश जाएंगे, हमारा एक फ्रेंड है उसे हमने कॉल की थी, तो पहले हम लोग का प्लान था ऋषिकेश जाएंगे, लेकिन फिर हमें हमारे एक फ्रेंड है वो मिल गए इधर, तो अभी हम लोग इधर ही हरिद्वार में रुक रहे हैं, और मतलब बहुत अच्छा है, एक आश्रम है, तो आज हम लोग का स्टे यहीं पर होगा। आई सो दिस इज़ द डे 2 ऑफ हरिद्वार, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले दक्ष मंदिर में, वहाँ पर दर्शन करेंगे, दैन फिर आगे हर की पैड़ी में स्नान करेंगे।
सो दिस इज़ द व्यू, यहाँ पे सारे आश्रम वगैरह हैं और हम लोगों ने स्टे करा था इधर पे। तो ये हैं भैया और ये हैं दर्शन, आनंदा तीर्थ। तो आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो गलियाँ हैं यहाँ पे सब आश्रम ही आश्रम आपको दिखेंगे और बहुत अच्छा भी लग रहा है, यहाँ का माहौल ही अलग होता है। सो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दक्ष मंदिर में और कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले आए हैं दक्ष मंदिर में। और ये मंदिर काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग भी थे, मतलब मुझे राजस्थानी भी दिखे और कुछ कुछ अलग उसके भी थे, मतलब ज़्यादा मुझे वहाँ पर राजस्थान के लोग दिख रहे थे। तो अभी आप देखो कि मैं एंटर कर रही हूँ मंदिर में, तो यहाँ पर वैसे बाहर तो फोटोग्राफी अलाउ थी लेकिन जो मेन अंदर था मंदिर वहाँ पर अलाउ नहीं थी, तो इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं अपने आप को वीडियो में कैप्चर करा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे कैप्चर कर रहे थे। ये आप देख सकते हो कि ये है यज्ञ कुंड या हवन कुंड जिसको हम बोलते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे मंदिर की ओर बढ़ते जाएंगे, तो अभी मैंने जिनको प्रणाम बोला ये है सती कुंड। बोला जाता है कि यहीं पे जो माँ सती थी उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे दक्ष भगवान के और वहाँ पर से हमें मिला था प्रसाद। और बोलते हैं कि यहाँ से प्रसाद मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो फिर हमने किए थे बजरंग बली के दर्शन। अब आ गए हम दोबारा से हरिद्वार में क्योंकि हमें करना था गंगा स्नान। वैसे तो मैं कई बार हरिद्वार आई हूँ और हर बार मुझे यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम लोग दोबारा से उसी पैदल रास्ते से आए हैं जहाँ से हम लोग कल रात आए थे। तो अभी आप देख सकते हो जो आपको ये टेंपल दिख रहा है रेड कलर का, यहाँ पे गंगा आरती होती है जो मेन वाली है। और जब मैंने चारों तरफ देखा तो जो ये वाला घाट था यहाँ पे तो काफ़ी कम भीड़ थी क्योंकि जो मेन यहाँ पे घाट है वो है हर की पौड़ी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि घाट के बगल में कितने सारे भोलेनाथ के शिवलिंग हैं। और फिर मैं थोड़ा सा कैप्चर करने का ट्राई कर रही थी अपने आप को भी और थोड़ा थोड़ा सा मैं जितना हो सके, मतलब जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी या फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं उन्हें कैप्चर करने का ट्राई कर रही थी। हर की पैड़ी पे और आप देख सकते हो पुल में व्यू देख सकते हो आपको, बाकी फ्रंट कैमरा दिखा दी, आई मीन बैक कैमरा दिखा दी बाकी का। तो गाइज़ आप में से कौन कौन लोग हरिद्वार आए हो सारे के सारे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं तो काफ़ी टाइम हरिद्वार आई हूँ, मतलब बहुत बार आई हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और हर बार मुझे अलग ही फील आता है। तो अभी आप देखो कि चारधाम यात्रा भी स्टार्ट हो गई है, इसी कारण इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और उस भीड़ में से हम लोग ऐसे बच बच के निकल रहे थे, मतलब कभी इधर कभी उधर। और कितने बार तो हम ऐसा हो रहा था कि जो मेरे हस्बैंड है काफ़ी आगे रह जा रहे थे और मैं काफ़ी पीछे रह जा रही थी। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा मैं साइड की ओर आ गई हूँ ताकि मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की मार्केट या फिर आप बोल सकते हो कि जो हर की पौड़ी की आइट साइड दुकान लगती है वो भी दिखा सकूं। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको वो भी दिखाने का ट्राई किया है। और एक पुल ये है, इसको भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली जो ये पुल है ये दोनों घाटों को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब इधर उधर आप पुल से ही जाओगे। तो फिर हम लोगों ने अपना जो भी प्रोसेस थी पूजा वगैरह की वो कर ली थी। फिर अभी हम लोगों ने किया था गंगा स्नान। तो सबसे पहले मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर साथ में डुबकी लगाई थी, उसके बाद फिर मैंने अकेले डुबकी लगाई थी क्योंकि मुझे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करानी थी। मतलब साथ में तो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन फिर अकेले में मेरी मतलब एक दो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड कर दी थी। तो मैंने लगाई थी गंगा जी में डुबकी और पहले तो इतना ठंडा लग रहा था लेकिन उसके बाद मेरा बाहर ही आने का मन नहीं कर रहा था, एक अलग ही मतलब सुकून मिल रहा था और वाटर थेरेपी आप बोल सकते हो। तो मैं बहुत देर तक इसमें रही थी, अराउंड आधा घंटा तो मैं रही होंगी और जब भीड़ बढ़ गई तो फिर मैं निकल गई थी। हम लोग राजा जी में एंटर हो चुके हैं गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं सोलन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल ये सोलन और हमारा सफर हो गया स्टार्ट महादेव की कृपा से। चलिए दिखाते हैं हम आपको पता है मैंने मतलब गंगा जी में स्नान करा उसके बाद ड्रेस भी चेंज नहीं किया, तो दर्शन ने तो कर ली थी लेकिन मैंने चेंज नहीं किया, अब मैं करूंगी थोड़ी देर रुक के। वैसे मेरे कपड़े सूख चुके हैं लेकिन फिर भी ठंडा लग जाएगा इसलिए मुझे ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। और हम लोग निकल चुके हैं, सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ अभी तक, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है डायरेक्ट, बहुत तेज भूख लग गई अभी तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं अभी दिन का खाना क्योंकि अगर हम अभी खा देंगे 11 बज गए तो फिर उसके बाद भूख नहीं लगेगी दिन में, फिर वही 3-4 बजे मतलब टाइम बेकार हो जाता खाने का। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम लोग करेंगे लंच।